मुझे तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद सबने अच्छा हमारी फ्रेंड। आज सुबह हम 4 बजे उठ के फटाफट तैयार हो गए क्योंकि हमें जाना था स्कूल में और हमें 5:20 की बस मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कितने दिन बाद हम कहीं बाहर निकल रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। हम पुणे में रहते हैं और पुणे से वाई में जा रहे हैं हमारा एग्ज़ाम देने के लिए। हमेशा की तरह आज भी हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी गई। यहाँ पर हमारी बस रुके थे तो हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और जब तक ब्रेकफास्ट आता है तब तक मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी था नहीं तो हमने उड़द वड़ा ऑर्डर कर दिया था। हम वाई तो पहुँच चुके हैं पर हमें अभी भी टाइम है अपने स्कूल पहुँचने में। यहाँ हम रुके थे क्योंकि हमें मैम के लिए थोड़ा स्वीट्स में कुछ लेना था। फाइनली हम अपने स्कूल में पहुँच चुके हैं और ये हमारा स्कूल का इंटरफेस है और अभी हमें क्लास में जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास में जाने का। जैसे मैंने क्लास में एंटर किया मुझे पता चला कि पेपर शुरू हो चुका है। मेरी फ्रेंड रेशम ने कहा कि मेरे पास बैठ जाओ तो मैं उसके पास बैठ गई। थोड़े बाद में मेरे और भी फ्रेंड्स आ गए और हम साथ में पढ़ाई करने लगे। क्लास में इतने बच्चे इस वजह से नहीं है क्योंकि सारे बच्चे नीचे लंच के लिए गए थे। सो हमारा पेपर हो चुका है और देखिए कितना शोर मचा रहे हैं लोग क्योंकि छुट्टी हो चुका है, सबका जाने का टाइम हो चुका है। तो अभी हमने फ्रेंड्स से बहुत सारे गप्पे शप्पे कर लिए। अभी हमें जाना है फटाफट घर के। तो हमने ऑटो पकड़े और अभी हम बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। लंच के टाइम हमने खाई पूरी भाजी और ये बहुत ही टेस्टी थी और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बस को आने में टाइम था तो बस के साइड वाले मंदिर पे हम चले गए। मंदिर में आके हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है। अभी हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बस आ चुकी है। लाइफ में ना मैंने एक बात सीखी है कि हर मोमेंट को एंजॉय करो क्योंकि हम जो भी मोमेंट को एंजॉय करते हैं बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए मैं हर मोमेंट में जीती हूँ और उसको खुलकर जीती हूँ और आज मैं जीती हूँ। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर मैं कहीं जाती हूँ या नहीं भी जाती हूँ तो वर्तमान में और लाइफ को एंजॉय करना। फ्रेंड्स फाइनली हम घर पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी हम घर जाने वाले हैं। सुबह के 4 बजे उठकर हम गए बाहर और अभी हम घर जा रहे हैं। मिलते हैं कुछ मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप कैसे हो? हम जैसे वहाँ से आए तो मैं नहा धोकर फ्रेश होकर सो गई थी। अब सोने के उठने के बाद अभी मैं मम्मी की हेल्प की और थोड़ा सा फ्रूट खा रही हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, मेरे वीडियोस पसंद आए, मेरे फ्रेंड्स मेरे टीचर्स के संग बिताए हुए पल मोमेंट्स आपको अगर पसंद आए, आपको अंदर से अच्छा लगा हो देखकर, तो प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना अगर पसंद आया हो तो। और सबसे ज़रूरी बात है, मेरे लिए हेल्प हो जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।